और भारत कई रहस्यमय चिन्हों के साथ चलता है। हमने देखा कि मंगल ग्रह रोग का कारक है, पिछले प्रवचन में हमने सुना कि मंगल ग्रह रोग का कारक है, मंगल ग्रह ऋण का कारक है, उदारी, मंगल ग्रह शत्रु का कारक है। शत्रु भी मंगल ही उत्पन्न करता है, ऋण को भी मंगल ही उत्पन्न करता है और रोग को भी मंगल ही उत्पन्न करता है। हमने देखा ये मंगल जब आश्लेषा नक्षत्र में आते हैं तो अपनी कोई भी इस प्रकार की क्रिया को क्रियान्वित नहीं कर पाते, वहां स्तब्ध हो जाते हैं, स्तंभित हो जाते हैं। और आश्लेषा नक्षत्र का चिन्ह हमने पिछली बार देखा कि दो सांप ऐसे मुड़े हुए हों, वही मेडिकल काउंसिल का सिंबल भी है, दवाई के दुकानों में, डॉक्टरों के दुकानों में, कोई पर्ची में आप देखो तो बोर्ड में, पर्चियों में यही दो सांप लिपटे हों, ये चिन्ह निश्चित रूप से वहां रहता है। और भारत के किसी भी मंदिर में जाओ, आप शिव मंदिर में जाओ, देवी मंदिर में जाओ, विष्णु मंदिर में जाओ, कहीं ना कहीं एक वृक्ष के नीचे एक पत्थर लगा होगा, उस पत्थर में दो सांप लिपटे हों, ये चिन्ह हर मंदिर में अवश्य मिलेगा और लोग उसको दूध चढ़ाते हैं या वंदन करते हैं, पूजा करते हैं, ये सभी क्रम लोग निरंतर इन चिन्हों पर करते हैं। ये आश्लेषा नक्षत्र का चिन्ह अमेरिकन मेडिकल मेडिकल काउंसिल ने भी अपने एम्बलम बना के रखा हुआ है, उसको लोगो बना के रखा हुआ है। यही चिन्ह भारत के हर मंदिर में दिखने में आता है। आप देखिएगा, आपका लॉकर का एक पासवर्ड होता है, वो कोई भी 1489 ऐसा कोई भी नंबर का होगा, उस नंबर को दबाते ही आपका लॉकर खुलता है। कई लोग ऐसे पूछते हैं कि इस चिन्ह में क्या पड़ा है, ऐसे कोई चिन्ह रख लेने से थोड़ी भाग्य उदय हो जाता है। अगर कोई अनजाने नंबर को दबाने से किसी तिजोरी का ताला खुल सकता है तो इस ब्रह्मांड में अनेकों ऐसी शक्तियां भरी है जिस शक्ति का तह तक पहुंचना अनंत युगों तक मनुष्य के शोध के बाद भी संभव नहीं है। ऐसी शक्तियों का किस प्रकार से इस संसार में असर पड़ता है ये कोई नहीं जान सकता। इस संसार का कोई व्यक्ति नहीं जान सकता कि कौन सी शक्ति कैसे काम करती है। आजकल नास्तिक लोग पूछते हैं कि इस चिन्ह में क्या पड़ा, इस मूर्ति में क्या पड़ा, उसमें क्या पड़ा। अरे मेरे भाई, जब एक फोन कोई भी चीज का तुझे पासवर्ड दिया जाता है तो उसमें क्या पड़ा क्यों नहीं पूछता है? वो तो कोई भी प्रकार का नंबर हो सकता है, कोई अल्फाबेट हो सकता है, ACDQ ऐसे कुछ हो सकता है। आजकल तो बेटा ये फोन को, आप लोगों को कोई मैसेज आना तो फोन में आता है, वो क्या नंबर बोलते हैं उसको, डालते ही खोलता है फोन, फिर खुलता है। पासवर्ड नहीं बेटा, OTP। हाँ, वो OTP क्या बोलते हो? OTP कौन सा कोई फिक्स्ड पैटर्न का होता है। OTP को आप समझ पाते हो कि भाई ये फिक्स्ड पैटर्न का कोई OTP होगा, उसमें ATQ1937 हो सकता है कि नहीं? तो तब आपने, युवा वर्ग ने कभी सवाल नहीं पूछा कि ये क्या अनजाना नंबर दे रहे हो, हमको तो व्यवस्थित एक सीक्वेंस ही दो, हमको एक पैटर्न दो, आपने कभी नहीं पूछा। आपको OTP कोई भी प्रकार का आए, आपको मालूम कि OTP डाले तो आपके फोन में से वो मैसेज खुल जाएगा। अगर OTP से मैसेज खुल सकता है तो भारतीय संस्कृति में दिए गए विभिन्न चिन्ह आपके भाग्य को खोलने वाले OTP है, ये ध्यान रख लो। आपके भाग्य को खोलने वाले अगर कोई OTP है तो ये भारत में दिए गए विभिन्न चिन्ह हैं। विभिन्न, कई लोग मुझे पूछते हैं स्वस्तिक में क्या पड़ा, क्या है एक स्वस्तिक बना लेने से क्या होता है, उसके बारे में अभी समझेंगे। लेकिन आपको मैं समझाना चाहता हूं कि भारत में जितने चिन्ह दिए गए हैं, आज कंप्यूटर आ गया, फोन आ गया, फोन में आपके लिए गुप्त मैसेज आना, वो दूसरा पढ़ न ले, इसलिए पहले कोई भी कंपनी हो, कोई भी संस्था हो, पहले एक OTP भेजती है, वो OTP नंबर आप कंफर्म करो तो बाद में ही आपको वो मैसेज खोलने में मिलता है। तो ईश्वर के दिए हुए OTP हैं ये जितने भी चिन्ह हैं। आश्लेषा नक्षत्र का ये जो सर्प चिन्ह को कोई आदमी अपने घर में कहीं भी लगा के रख ले, जहां सोने की जगह हो, जहां कोई चलने फिरने की जगह हो, वहां कम से कम एक दिन में 3 बार अपने नजर में कम से कम पड़े, क्योंकि त्रिसंध्या में कोई भी क्रिया किया जाए तो वो निश्चित असर करता है, सुबह दोपहर और शाम। क्योंकि रात में व्यक्ति सोने के पहले जो दिन भर 3 बार उसको देखता है तो दिन भर में
तीन अल्फा बीटा और वापस अल्फा के, सुबह उठते समय अल्फा स्टेट में आता है, फिर बीटा में आता है, वापस अल्फा में आता है। तो ये तीन स्टेट के अंदर तीन बार अगर उस चिन्ह को देखता है तो उसकी अवचेतन मन में ये चिन्ह पहुंच जाए तो ये चिन्ह अंदर उसके ओटीपी की तरह काम करता है, आपके भाग्य का दरवाजा खोल देता है। इसलिए ये ध्यान रखिएगा, जैसे आप ओटीपी का नंबर के बारे में कभी चर्चा नहीं करते कि ये क्यों नंबर है, इसमें क्या पड़ा, बड़े विश्वास के साथ किसी इंसान का भेजा हुआ ओटीपी नंबर का फॉलो अप करते हो तो उतने ही विश्वास के साथ ऋषि मुनियों के द्वारा बनाए गए भारतीय धर्म के सभी प्रकार के क्रियाओं का भी उतना ही विश्वास करोगे तो ओटीपी तो शायद खुलने के बाद आपको क्या मिल जाएगा बड़ा से बड़ा, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों के बताए गए धार्मिक क्रियाओं को बड़े विश्वास से फॉलो करोगे तो एक एक क्रिया में आप एक एक प्रकार का दिव्य असर को महसूस कर सकोगे, इतना ताकत उसमें। मैंने बोला कि हर नक्षत्र का अपने अपना एक चिन्ह है, हर नक्षत्र का अपना अपना एक शक्ति है, हम उन चिन्हों को लेके चलते हैं। हम देखिए भारतीय संस्कृति में ये है, विदेश में जो लोग कुछ कर नहीं पाए या जिनकी विवाहिक जिंदगी टूट गई, जिनके जीवन में बच्चे साथ नहीं दिए, सब निकल गए, अकेले होकर के बूढ़े मर रहे हैं, ऐसे लोग रात भर नींद की गोलियां खाके अपनी जिंदगी बिताते हैं, उनका जीवन एकदम दुबर और दुखी हो जाता है क्योंकि उनकी जिंदगी का कोई सहारा नहीं है। भारतीय धर्म में ईश्वर से लेके देवी देवताओं से लेके अपने गुरु से लेके समाज से लेके पारिवारिक रिश्तों के लोग तक सभी लोग सहयोग करते हैं, यथासंभव आज भी कर रहे हैं, भले कितना भी आधुनिक दुनिया हो गया है आज भी गली गांव समाज उत्सव मनाता है, कार्य करता है। ये कोई भी उत्सव या कार्य क्रियाकलाप आप विदेशों में नहीं देख सकते, अकेला कोई बाप कहीं पड़ा पड़ा अपने जीवन गुजार रहा है, अकेली माँ कहीं औरत जीवन गुजार रही है, बेटे अपने अलग ही जीवन गुजार रहे हैं, उनकी जीवन शैली इतनी स्वतंत्र और स्वार्थपूर्ण है जिसको देख के आप उसी जीवन को आप अनुसरित करोगे तो निश्चित रूप से आपको उन्हीं जीवनों की तरह अंत दुखमय होने की संभावना है।